बेटा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में, तो लास्ट टाइप है रिडोक्स रिएक्शन। और रिडोक्स रिएक्शन को समझने से पहले मैंने आप लोगों को बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। वो सारा हमने डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट डिस्कस किया। तो वो सब अगर क्लियर है तो लास्ट टाइप पढ़ते हैं रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जब किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडोक्स रिएक्शन। दोनों इकट्ठे होने चाहिए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अगर खाली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर खाली रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन जब दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे तब उसको हम बोलेंगे रिडोक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2Mg+O2 गिव्स द 2MgO। अब इस 2MgO, इस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, 2+ में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, 2- फॉर्म में, ठीक है ना। ये 2+ फॉर्म में कैसे बना, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये कंपाउंड बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं इसलिए रिएक्शन कैसी है, रिडोक्स रिएक्शन। उसी तरह से आयरन और सल्फर जब रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है ना। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसलिए आयरन 2+ बनाता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसलिए क्या बनाता है, S2- सल्फाइड आयन एनायन बनाता है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलके, दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेते हैं, आयरन सल्फाइड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं इसलिए ये भी एग्जाम्पल कैसा है, रिडोक्स रिएक्शन का। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर और आयोडीन मिलके क्या बना रहे हैं, क्यूप्रिक आयोडाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं इसलिए क्या है हमारे पास, रिडोक्स रिएक्शन। सिमिलरली आप लोग ये एग्जाम्पल करके देखोगे। लास्ट एग्जाम्पल, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और कॉपर 2+ ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया किससे, जो जिंक ने दिए। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाया जिंक 2+ और कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया, कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, रिडोक्स रिएक्शन। तो रिडोक्स रिएक्शन ये लास्ट टाइप थी बेटा यहाँ तक हमारी। उसके बाद एक नया टॉपिक हमारे पास जो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं, जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी, उनका बहुत यूज़फुल भी है और हार्मफुल अफेक्ट भी है उनका, तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले यूज़फुल इफेक्ट में आता है हमारे पास कंबशन और रेस्पिरेशन, और हार्मफुल इफेक्ट में पोल्यूशन, कोरोजन और रेंसिडिटी। यहाँ पे कंबशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी एंड रेस्पिरेशन। कंबशन, रेस्पिरेशन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पज बट ऑल्सो फॉर योर बोर्ड पर्पज। तो सबसे पहले यूजफुल इफेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास टाइप ए है कंबशन। कंबशन क्या होता है, जब भी कोई सब्सटांस बर्न करता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे क्या बोलते हैं, कंबशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरोसिन है, कोल है, चारकोल है, वुड है, जब ये एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलते हैं, तो क्या होता है उसका, कंबशन हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मीथेन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंप्लीट कंबशन किया जाता है। कंप्लीट कंबशन मतलब जब एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर की जाती है, वहाँ पे बहुत सारी एयर प्रोवाइड की जाती है मीथेन को, तो मीथेन क्या करता है, बर्न करता है। और क्या 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 मिलता है वहाँ पे मीथेन से, ऑक्सीजन की सप्लाई में CO2 और वाटर, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी हमारी डेली लाइफ में बड़ी काम आती है, ठीक है ना। उसी तरह से बुटेन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक पार्ट है किसका, LPG गैस का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो घरों में कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो बुटेन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसका कंप्लीट कंबशन किया जाता है तो CO2 और वाटर वहाँ पर रिलीज होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी हमारे यूजफुल वर्क के काम आती है। सिमिलरली जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करता है एयर की प्रेजेंस में तो क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी काम आती है हमारी बॉडी फंक्शनिंग में, जैसे हार्ट की फंक्शनिंग में, सेल फंक्शनिंग में, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन के अंदर पूछा गया एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल भी कॉम्पिटिशन के अंदर पूछा गया है और बोर्ड के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि एल्केन का जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, एल्केन मतलब
मतलब हाइड्रोकार्बन। तो सही बात है, जो जनरेशन ऑफ हीट है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। भाई जितना मास होगा फ्यूल का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके बर्न करने से हीट जनरेट होगी। दूसरा, जनरल इक्वेशन कंबशन की पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के अंदर पूछी गई है कई बार कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई एल्केन है, ठीक है ना, मैंने हाइड्रोकार्बन में लिया एल्केन, एल्केन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सीओ टू के देता है और वाटर के मॉलिक्यूल कितने देगा, एन प्लस वन। यानी अगर यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल सीओ टू के जनरेट होंगे तो वाटर के कितने जनरेट होंगे, फोर मॉलिक्यूल। फोर मॉलिक्यूल सीओ टू के जनरेट होंगे तो वाटर के कितने होंगे, फाइव मॉलिक्यूल। बस एन की वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे और आपके पास इक्वेशन बनती चली जाएगी और लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उसी तरह से अब लास्ट पॉइंट में हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन, एल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल, क्योंकि एल्केन के कंबशन से ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, इवोल्यूट होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना। इसीलिए इनको कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एल्केन्स को एज ए फ्यूल क्यों यूज़ किया जाता है, भाई लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में, इसलिए हम लोग उसे फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पस, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। देखो मिथेन के कंप्लीट कंबशन से तो CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो हमने पिछले पेज में डिस्कस किया, लेकिन मिथेन का अगर इनकम्प्लीट कंबशन करें, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है जब हम इनसुफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर वहां पे प्रोवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन प्लस 2H2। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। और ये बड़े काम की चीज़ है, ये कार्बन ब्लैक ऐसे नहीं है कि ये वेस्ट है, इंडस्ट्री में बड़े काम की चीज़ है। इस कार्बन ब्लैक को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, इंक में भैया, जो आप लोग पेन में इंक डालते हो, या मार्कर की इंक में जो इंक होती है, प्रिंटर की इंक जो इंक होती है, हमारे जो ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो फिल्टर्स होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कार्बन कैसे बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन से। अब आ जाता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ये बोर्ड वाले बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द कंपटीशन पर्पस। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी किसी सप्लाई में होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई में होता है, लेकिन यहां पे हाई प्रेशर और किसी ना किसी कैटेलिस्ट की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कॉपर ट्यूब में रिएक्शन करता है 523 केल्विन एट 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और आपके पास कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। और ये आपको पता ही होना चाहिए, रिएक्शन दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एट 543 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनता है प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट था, तो इसकी प्रेजेंस में मीथेनॉल बन रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैटलिस्ट को चेंज किया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और टेम्परेचर को चेंज किया, कैटलिस्ट और टेम्परेचर को, तो मेरे पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस वन इज मीथेनॉल। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इथेन का जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज एसिटेट एक कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में, तो इथेन से क्या बनेगा, यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन बेस्ड कंपाउंड ही बनेगा। आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। और बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ऑल कंबशन रिएक्शंस आर नॉट एकम्पेन्ड बाय फ्लेम, ठीक है ना, फ्लेम का जरूरी होना नहीं है वहाँ पे, कंबशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन एकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो हर कंबशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जो यूजफुल इफेक्ट में, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे जिस प्रोसेस से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ पे, सेल में। सेल हम जानते हैं क्या होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन द बायोलॉजी, यू रीड दिस वन। तो सेल हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होती है सेल्स के अंदर, वो किससे रिलीज होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन से। और कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन। उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आप लोगों को। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन कहां एंटर करती है, हमारे लंग्स के अंदर। वो जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, तो लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं, जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं, तो फिर
लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई के पास, ठीक है ना। अब इन एल्वियोलाई का सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया जब ज़्यादा होता है तो फिर एल्वियोलाई से एयर जो है, जो ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूज़ कर जाती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और जैसे ही ब्लड में डिफ्यूज़ किया ऑक्सीजन ने, तो हमारे पास ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, और आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है और कहाँ पहुँचा देती है, सेल्स तक पहुंचा देती है बॉडी के अंदर। अब जैसे ही सेल के पास पहुंची ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन से क्या होगा भाई, एनर्जी रिलीज होगी। कैसे, जो ग्लूकोज होगा सेल के अंदर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और CO2 और वाटर बनाएगा प्लस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, यही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर काम आती है किसमें, जो हमारा हार्ट फंक्शन करता है, हमारे सेल फंक्शन करते हैं डिफरेंट वर्किंग में, हमारे पास ये जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे रेस्पिरेशन से वो काम आती है। और ये CO2 और वाटर क्या करता है, ये CO2 और जो वाटर है वो वापिस चला जाता है और ब्रीथिंग से हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो बेटा CO2 और वाटर जो है ब्रीथिंग से बाहर निकल जाती है, लेकिन उससे पहले वाला स्टेप भी हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है तो हमारी वर्किंग फंक्शन में काम आ गई, ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है बेटा, ठीक है ना। द रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों है एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है, जो रिलीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है सेल रिएक्शन के अंदर, जो कि काम आती है हमारी हार्ट और मसल वर्किंग में, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए, रेस्पिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेशन जो है सेल्स के अंदर होता है, किसके अंदर, लिविंग बींग्स में, सभी में, ठीक है ना। और फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। और प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, स्मॉल पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो लीव्स में जो है, जो प्लांट्स में है, वो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, फिश में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और लिविंग सेल्स के अंदर तो सभी में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू जो हमने डिस्कस किया, ये असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन में यहाँ पे डाल रहा हूँ जो आप लोगों को करने हैं, ठीक है ना। ये वीडियो लेक्चर 7 है आप लोगों का, जिसको आपको करना है, और वीडियो लेक्चर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्मफुल अफेक्ट क्या है हमारे रेस्पिरेशन की, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू।